नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरा देश इस समय ऐसा लगता है कि चुनावी मोड पर आ चुका है। इसका बेहतरीन उदाहरण मध्य प्रदेश से आ रहा है सामने, जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से हुंकार भरी और विपक्षी एकता पर बड़े बड़े उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी एकता का जो दम भर रहे हैं वो सारे लोग अपने ऊपर लगे आरोप या भ्रष्टाचार के जो भी उनके मामले हैं उसको सुलटाने के लिए सब एक हो रहे हैं, यह पूरा देश जानता है और न्यायपालिका के अधीन कई मामले भी हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास गारंटी है कि पूरे देश में सरकार बदल देंगे और आगे के चुनावी जो 2024 के चुनाव है उसे भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, लेकिन उनके लिए सपना साबित होने वाला है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे पास एक गारंटी है कि सारे लोगों का पर्दाफाश होगा और एक दिन जरूर होगा। हालांकि जो विपक्षी एकता हुई थी जिसमें नीतीश कुमार ने पटना में सबको बुलाया था और सारे लोग जुटे थे, वहां से एक बात निकल कर आई कि विपक्षी एकता इतना आसान नहीं है। पहले भी कई बार लोग कोशिश कर चुके हैं क्योंकि सबके अपने एजेंडा हैं, अपनी समस्याएं हैं। इसलिए इस बार जो हिमाचल प्रदेश शिमला में इनकी मीटिंग होने वाली थी वो टलकर अब बेंगलुरु में होने वाली है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है नीतीश कुमार ने, इसे निभाने के लिए वो लोग तत्पर भी हैं। लेकिन सारे लोगों को एक साथ जुटाने के लिए उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने UCC का मुद्दा छेड़ा है और समानता के आधार पर कोई भी इस बात पर खुलकर सामने आने के से कतरा रहे हैं, ऐसे पसोपेश में विपक्षी एकता आज स्वयं भी खतरे में है, प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से काउंटर करने में सजग हो चुकी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कुछ नया निकल कर आता है और इस चर्चा पर कितना बल मिलता है। धन्यवाद।